हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन मोमिन किचन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए। सूजी के रसगुल्ले बना के लाई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही रस भरे, एकदम फूले फूले हैं दोस्तों, बहुत जल्दी बनने वाले बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले हैं। पहले मैंने 1 लीटर वाला बोतल लिया है मिल्क का, उसमें से मैं इसमें 750 ml मिल्क डाल दूँगी और 750 ml मिल्क डालने के बाद मैं इसे थोड़ा बॉयल कर लूँगी। फ्रेंड्स, मिल्क को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और मिल्क जब बॉयल हो जाए तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर करके पीसी हुई चीनी डालूँगी और लगभग 1 टेबल स्पून भर करके मैं इसमें घी डाल दूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून भर करके डाला है और घी बस 1 टेबल स्पून डालिएगा, ना बहुत ज़्यादा डालिएगा ना इससे कम डालिएगा, नहीं तो फिर हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए एक बॉयल आने देना है दोस्तों, और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें सूजी मिलाऊंगी। देखिए अब हमारे दूध में बॉयल आ गया है फ्रेंड्स, और इसमें मैं धीरे धीरे, मैंने 250 ग्राम इस मेजरमेंट वाले कप से 250 ग्राम सूजी लिया है, उसे मैं धीरे धीरे करके मिलाते डालते जाऊँगी और साथ में मिलाते भी जाऊँगी। एक बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे दोस्तों। देखिए अब इसमें मैं मिलाते जा रही हूँ। मैंने 250 ग्राम लिया था सूजी, लेकिन मुझे मेरे केवल 200 ग्राम ही सूजी लगे, तो बाकी को मैंने फिर छोड़ दिया है फ्रेंड्स। और इसका हमें खूब अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। जब खुद सब सारी सूजी दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और सिमट के एक तरफ आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे जो डो है सो तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने 50 ग्राम सूजी को साइड में रख दिया है और इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पका लूँगी दोस्तों। लगातार चलाते रहिएगा जिसमें कि हमारी डो नीचे नहीं बैठे, और बहुत ही इसका स्मूथ डो तैयार करना है, ज़्यादा ना इसे कड़ा करना है ना ज़्यादा पतला रखना। देखिए एकदम रेडी हो गए, मैं इसे उतार लूँगी और जैसे ही ये हल्का ही ठंडा रहेंगे उसी समय हमें इसे अच्छी तरह से मैश के इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाना है दोस्तों। तो मैं अब इसे उतार लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस दिखलाती हूँ। डो को मैंने साइड पर रख लिया है और अब मैंने लगभग 250 ग्राम चीनी लिया है, पूरा ही मैंने 250 ग्राम चीनी लिया था, और उसमें मैंने 500 ml पानी लिया है, थोड़ी सी पानी बाद में मैंने और ऐड की थी। तो इस तरह से लगभग 700 ml पानी लीजिएगा, और 250 ग्राम चीनी में 700 ml पानी एकदम ठीक है। और इसका हमें बस केवल लिक्विड तैयार करना है, चीनी के घुलने तक हमें इसमें कोई तार नहीं देना है और ना कोई कुछ देना, बस जैसे ही चीनी घुलती है हम इसमें अपने, मैंने जो छोटे छोटे बॉल्स बना के रख रही हूँ मैं, उसे डाल दूँगी। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से हाथ में घी लगा के मसल लिया था एकदम गर्म में ही, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और इसका मैं छोटा छोटा बॉल्स बना रही हूँ, इसका मीडियम साइज़ का छोटा बॉल ही बनाइएगा, क्योंकि ये बॉल शुगर सिरप में जाने के बाद खूब अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और देखिए एक साइड में मेरी शुगर सिरप भी तैयार हो रही है, इसमें हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही शुगर सिरप थोड़ा सा हमारी शुगर अच्छी तरह से मिल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दूंगी दोस्तों। और देखिए मैं इसे छोटा छोटा बॉल्स बना रही हूँ। सूजी को एकदम भी सूखने नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर सूजी के अंदर हमारे रस जो है सो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके 2-3 ट्रिक्स हैं फ्रेंड्स, उसके कुछ ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करने पर ये रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फूले फूले बनते हैं। और अब देखिए मैंने कम कर दिया है फ्लेम को, एकदम स्लो कर दिया है, और इसमें अब मैंने जो छोटे छोटे रसगुल्ले के डो बनाए थे उसे डाल दिया है दोस्तों। और डाल देने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, और ढक के इसमें जो भी छेद रहेगा उसे भी बंद कर दीजिए, एक कागज़ डाल के उसे भी बंद कर देना है। और इसे लगभग मैं 40 से 45 मिनट तक एकदम स्लो मीडियम हीट पर छोड़ दूँगी। और देखिए हमारे 45 मिनट के बाद हमारे रसगुल्ले एकदम फूले फूले तैयार हो जाएंगे दोस्तों। बस हमें इसी तरह इसे दम पर रखना है, एकदम हीट को एकदम मीडियम रखना है, स्लो रखना है और इसी तरह हमें छोड़ देना है। बीच बीच में केवल कढ़ाई को धीरे से हिला दीजिए फ्रेंड्स, बीच में कढ़ाई को हल्का हिला दिया था मैंने। और देखिए लगभग 35 मिनट के बाद मेरे रसगुल्ले दुगने हो गए, मैं थोड़ा देर और 10 मिनट छोड़ दूँगी। 45 मिनट के बाद मेरे रसगुल्ले कितने फूले फूले और शानदार हो गए हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डाल दिया था, केवड़ा एसेंस या मीठा इत्र जरूर डाल दीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लगता है कट गया है उसे आप, लेकिन ज़रूर डाल दीजिएगा।
या अगर इलायची, देखिए मैंने केवड़ा एसेंस डाला, आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे उतार लूँगी, मैंने गैस को बंद कर दिया और अब मैं इसे उतार दूँगी दोस्तों। और अब इन रसगुल्लों को मैं सर्व कर दूँगी, जो बहुत ही टेस्टी और दम फूले फूले बने थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अपनी सिस्टर का इतना तो बात मान ही लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई होगी। सूजी बहुत ही लाभदायक होती है, साथ में डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है। फ्रेंड्स, इन रसगुल्लों को देखकर कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये छेना के बने हैं या सूजी के। दोस्तों, आप लोग इस रसगुल्ले को जरूर बनाइएगा दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।